दीपिका ने अपनी कमर तक लंबे बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज किया और कन्वीनियंस के लिए उन्हें जूड़े में बांध लिया। उसने अपना फोन और चाबियां ली और नैना के घर वो चली गई। ये देखकर कि सतीश घर पर था, दीपिका ने केयर के साथ उससे पूछा, मौसा सब कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कल दोपहर तक पहुंच जाएगा और स्टोर परसों तक खोलने के लिए रेडी होगा। सतीश खुश नजर आ रहा था। अरे वाह, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, दीपिका ने कहा। फिर वो किचन में चली गई। मीरा और नैना खाना पकाने में बिजी थे। माँ, मौसी, क्या आपको हेल्प की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, तुम बस वहां बैठो, खाना जल्द ही रेडी हो जाएगा, नैना ने कहा। ओह, ब्यूटी सैलून कैसा है? दीपिका ने पूछा। बढ़िया चल रहा है, हम बिजनेस चलाने की आदत डाल रहे हैं, नैना ने कहा। अच्छा, शिल्पा कहाँ है? अपने कमरे में ही है, पता नहीं क्यों अपने स्कूल से आने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, वो बाहर ही नहीं आई, नैना थोड़ा सा वरिड साउंड कर रही थी। अच्छा मौसी, मैं उससे बात करती हूँ, ऐसा कहकर वो शिल्पा के कमरे तक गई और दरवाजे पर नॉक किया। शिल्पा, शिल्पा, मैं हूँ, अंदर क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसका बाहर आने का कोई इंटेंशन नहीं था। दीपिका ये नोटिस करने में काफी परफेक्ट थी कि शिल्पा की आवाज ठीक नहीं थी, वो रो रही थी। लेकिन क्यों? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीपिका ने पूछा। नहीं सॉरी, मैं पढ़ रही हूँ, शिल्पा ने मना कर दिया। वो ऐसे कैसे तुम्हें बोल सकती है, क्या उसे अभी पढ़ना है? शिल्पा, अभी के अभी बाहर आओ। नैना किचन से बाहर आई और उसने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए शिल्पा को ये कहा। मौसी, इट्स फाइन, प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दो। आप टेंशन मत लो, दीपिका ने तुरंत नैना को वापस किचन में भेज दिया। हालांकि दीपिका किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन शिल्पा ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं थी, इसलिए अंदर जाने के लिए वो सिर्फ अपनी जेड आइज का यूज कर सकती थी। रूम के अंदर शिल्पा एक्चुअली अपनी स्टडी डेस्क के सामने बैठी थी, वो पढ़ नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसके लेफ्ट गाल पर एक क्लियर हाथ का निशान था, साफ तौर पर कहा जाए तो उसके चेहरे पर कई हाथ के निशान थे। ये देखकर दीपिका के चेहरे का रंग बदल गया, वो समझ गई कि क्यों शिल्पा बाहर नहीं आना चाहती। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके चेहरे पर इस इंजरी के बारे में पता लगे। वो तुरंत एक ठंडे पानी की बोतल ले आई और उसने शिल्पा को एक मैसेज किया। शिल्पा, आई अंडरस्टैंड कि तुम नहीं चाहती हो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता लगे, पर आई कैन हेल्प यू, प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। शिल्पा ने वो मैसेज पढ़ा और वो दरवाजा खोलने में हेजिटेट हुई। कुछ सेकंड्स बाद वो दीपिका के लिए दरवाजा खोले खड़ी थी। शिल्पा ने अपने लेफ्ट गाल को छुपाने के लिए अपने बाल उस पर गिरा लिए थे। दीपिका उसके सामने खड़ी थी, लेकिन शिल्पा ने चुपके से उसे बुलाया और उससे नजरें चुराने के लिए हेड डाउन करके बैठ गई। दीपिका अंदर आई और उसने एकदम दरवाजा बंद कर लिया। उसने शिल्पा को उसके बेड के साइड पर खींचने से पहले दरवाजा लॉक कर दिया। बिना कुछ कहे उसने उस ठंडे पानी की बोतल से शिल्पा के सूजे हुए गाल पर सिकाई करना शुरू कर दिया। उसने शिल्पा से कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता लगे तो चुपचाप बस ऐसी बैठी रहो। शिल्पा ने हिलने की हिम्मत नहीं की, उसे दीपिका से थोड़ा वैसे भी डर लगता था क्योंकि दीपिका अब बिल्कुल ही एक अलग इंसान बन गई थी। दीपिका ने उस ठंडे पानी की बोतल को एक कवर की तरह यूज किया। सच कहें तो वो सीक्रेटली शिल्पा के चेहरे से अपनी पावर के थ्रू वो रेड मार्क्स रिमूव कर रही थी। उसको डाउट ना हो इसलिए दीपिका ने कई मिनट तक शिल्पा के फेस पर वो पानी की बोतल ऐसे ही रखे रहने दी। दीदी, आपको कैसे पता लगा कि? शिल्पा को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ था, उसे लगा कि दीपिका को कैसे पता लगा कि उसका चेहरा इंजर्ड था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि क्या हुआ। ऑफ कोर्स, दीपिका शिल्पा को सच नहीं बता सकती थी, उधर शिल्पा नहीं जानती थी कि कहां से शुरू करना है। बोलो, दीपिका ने उसे थोड़ा सा डराया। शिल्पा ने तुरंत अपना मुंह खोला। हमारे स्कूल में एक लड़का मुझे पसंद करता है और उसने मुझे एक लेटर भेजा, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। फिर एक लड़की जो उस लड़के को लाइक करती है उसे इस बारे में पता चल गया। वो मेरे पास आई और उसने मेरे चेहरे पर कई थप्पड़ मारे। उसने मुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए भी वार्न किया। उसने मुझे ये कहा कि जब भी वो मुझे देखेगी तो वो मुझे बहुत मारेगी, लेकिन मेरे और उस लड़के के बीच में कुछ भी नहीं है दीदी। ये कहकर शिल्पा को बुरा लगा और वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर दीपिका बहुत परेशान हो गई। वो लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है उसका? दीपिका ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल करके शांति से उससे पूछा। 9th grade के 3rd classroom में। वो तीन लड़कियां, खुशबू शर्मा, रिया सहाय और अवनी सलूजा। दीपिका को फेस करके शिल्पा सच छुपाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं समझ गई, अब मैं देख लूंगी उन्हें। और हाँ, तुम याद रखना, कभी भी भागना मत, कभी भी अकेले मत रोना, तुम्हें खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा। डरपोक मत बनो, डरपोक लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और अगर तुम खुद इसे हैंडल नहीं कर सकती तो तुम हेल्प के लिए मेरे पास आ सकती हो। एम आई क्लियर? दीपिका ने अपनी कजन को सिखाया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह कोई भी शख्स बुली करे। हाँ, शिल्पा ने जवाब दिया। वो भी जानती थी कि लोग हमेशा कमजोर लोगों को तंग करते हैं, लेकिन उसकी आदत ही थी चुप रहने की। उसे बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लंबे समय से रोने की वजह से शिल्पा की आंखें सूज गई थी।
लेकिन दीपिका की मैजिकल पावर ने न सिर्फ उसकी आंखें बल्कि उसके गालों को भी ठीक कर दिया था। जब वो दीपिका के साथ खाने के लिए बाहर आई तो वो हमेशा से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही थी। शिल्पा सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उसने आगे इस बारे में नहीं सोचा। दीपिका ने शिल्पा को ये भी बोला था कि ये बहाना बना देना कि वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसका मूड खराब था। नैना और दूसरे लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया और शिल्पा को ये तसल्ली दी कि अगली बार वो अपने टेस्ट में अच्छा कर लेगी। उन लोगों ने बाद में मिलजुल कर साथ में खाना खाया। इस समय कुणाल अभी भी लड़की को इम्प्रेस करने, लड़की को चेस करने के तरीके ढूंढने में बिजी था। उसने कई सारे स्किल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि लड़कियों को फूल भेजना, साथ में मूवी देखने जाना, लड़की को गिफ्ट भेजना, लड़की से अच्छी अच्छी बातें करना और कई चीज़ें। लेकिन डिफरेंट लड़कियां डिफरेंट चीज़ें पसंद करती हैं, जिसने कुणाल कपूर को काफ़ी कन्फ्यूज़ कर दिया था, इसीलिए वो सारी रात जागता रहा। अगली सुबह जैसे ही दीपिका अपने सेक्टर जी से बाहर निकली, उसने एक ब्लैक लैंड रोवर को सड़क के किनारे खड़ा हुआ देखा और कुणाल कार के दरवाजे पर उसकी तरफ चेहरा किए हुए खड़ा था। दीपिका इस बात से मना नहीं कर सकती थी कि उस पोज में वो बहुत कूल और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देखकर वो तुरंत स्ट्रेट खड़ा हो गया। अभी भी उसके साथ होने के लिए वो थोड़ा सा नर्वस था। मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूं? इस पर दीपिका ने खुद को नॉर्मल किया। उसे थोड़ा सा एम्बैरस्ड फील हो रहा था, पर वो उसके चार्मिंग अपीयरेंस से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। उसने कहा, ओ नो थैंक्स, मैं हमेशा दौड़कर ही स्कूल जाती हूँ। इस पर कुणाल थोड़ा सा अपसेट हो गया। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल दौड़कर ही आऊँगा। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूँ स्वरा। दीपिका मना करना चाहती थी पर अचानक उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। ओके, आई डोंट माइंड। कुणाल को तब बेटर फील हुआ। उसने उसी जगह पर कार छोड़ दी और दीपिका के साथ स्कूल के लिए दौड़ लगाने लगा। रास्ते में उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुणाल चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या बात करनी चाहिए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो कुणाल ने कहा, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरा मेरे दोस्तों के साथ अपॉइंटमेंट है, हम साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। दीपिका ने जानबूझकर मना कर दिया। सो हाउ अबाउट लंच, तुम कब फ्री होने वाली हो? कुणाल ने फिर से इनवाइट किया। सॉरी, मुझे उस समय भी कुछ करना है। दीपिका ने एक बार फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इस बार दीपिका के पास सचमुच दोपहर में करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। उसे उन लड़कियों को सबक सिखाना था जिन्होंने शिल्पा को उस दिन बुली किया था। इस पर कुणाल थोड़ा सा चिढ़ गया, वो डिसअपॉइंटेड हो गया लेकिन हार मानना नहीं चाहता था। सो इस आफ्टरनून के बारे में क्या ख्याल है? दीपिका कुणाल को इतना ज़्यादा अपसेट नहीं देखना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने कहा, श्योर। एक एफर्मेटिव जवाब पाकर कुणाल की आंखें चमक गई। तो क्या लेना चाहोगी तुम? सी फूड। दीपिका जानती थी कि कुणाल सी फूड से एलर्जिक है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे ऐसा कहा। वो जानती थी कि आदमी शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और तुम्हें उन्हें आसानी से खुद को पकड़ने नहीं देना चाहिए। ये कुणाल ही था जिसने उसे वार्न किया था कि प्यार में पड़ने के लिए अभी वो बहुत छोटी है। अब वो खुद इसके लिए ट्राई कर रहा था। दीपिका ऑर्डिनरी इमोशंस के साथ एक नॉर्मल लड़की थी। कभी कभी वो उस आदमी को भी टेस्ट करेगी जिसे वो खुद भी पसंद करती हो। ओके, नो प्रॉब्लम। कुणाल जानता था कि दीपिका ने ऐसा जानबूझकर किया था, पर फिर भी वो राजी हो गया। तो ठीक है, मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। अगर मेरे क्लासमेट्स को पता चलेगा तो वो ऐसे ही अननेसेसरली गॉसिप करेंगे। तुम मुझे बता सकते हो कि उस वक्त तुम कहाँ रहोगे? तो मैं वहीं आ जाऊँगी तुम्हारे पास, दीपिका ने कहा। हालांकि वो एक्चुअली गॉसिप के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। इसके बदले वो लेट होने का प्लान कर रही थी ताकि उसे खुद के लिए इंतज़ार करवा सके। हाँ, मुझे लगता है तुम सही हो, कुणाल ने कहा। ओके देन, बाय। दीपिका ने स्कूल के अंदर जाने से पहले उससे कहा। कुणाल ने अपनी आंखें दीपिका की पीठ पर जमाई रखी जब तक कि वो उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गई। दीपिका, आधे रास्ते में नंदिका ने पीछे से दीपिका को आवाज़ लगाई। वो रुकी और उसने पीछे देखा और नोटिस किया कि नंदिका के चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नंदिका ने उसे और कुणाल को एक साथ देख लिया हो। रियली? मुझे बताओ, आदमी कौन था? नंदिका ने पूछ लिया। जस्ट अ फ्रेंड, दीपिका ने जवाब दिया। ओह रियली, किस तरीके का दोस्त है वो? नंदिका ने अपना हाथ दीपिका के कंधे पर रखा। वो उसे तब तक नहीं जाने देना चाहती थी जब तक कि वो उसे सच ना बता दे। अरे कहा ना, एक नॉर्मल फ्रेंड, दीपिका ने अपनी आंखें चुराई। हाँ, पर इस पर मैं बिलीव नहीं करती, नंदिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। अबे तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे मानो या ना मानो, दीपिका ने कहा, जैसे कि कुणाल और उसके बीच में सचमुच कुछ था ही नहीं। फाइन, तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि दीपिका ने कह दिया था कि वो सिर्फ दोस्त है तो ऐसा ही होगा। नंदिका ने सिर्फ थोड़ी गॉसिप की थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने ये मान लिया था कि वो एक कपल थे। एक लड़का और एक लड़की भाई बहन भी तो हो सकते हैं, या फिर अच्छे दोस्त, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो कपल ही हो। और वैसे भी दीपिका और वो आदमी इतने क्लोज लग भी नहीं रहे थे। जब से दीपिका को ये पता चला था कि नीरज राणा डॉन गैंग का बॉस है, उसे ये बिलीव था कि विराज भी एक गैंग का मेंबर होगा, और उसे ये भी लगता था कि नीरज के अलावा विराज भी एक इंपॉर्टेंट फिगर होगा उस ग्रुप में। और जहां तक नंदिका की बात थी, दीपिका श्योर नहीं थी कि वो भी डॉन गैंग की मेंबर है या नहीं। एनीवे, दीपिका इस बारे में केयर नहीं करती थी, वो डॉन गैंग के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती थी।
अगर नंदिका ने अपनी असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की थी तो इसका मतलब यह था कि शायद वो नहीं चाहती थी कि दूसरे इसके बारे में जाने, इसलिए दीपिका ने भी इसे सीक्रेट ही रखा। ओ दीपिका, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने वाली हो? नंदिका ने अचानक से पूछा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट अबाउट यू? दीपिका ने पूछा। मैं सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ जहाँ तुम जाओगी। मेरा बड़ा भाई हमारे लिए एक ही हॉस्टल रहने के लिए अरेंज कर देगा। नंदिका बहुत ही एक्साइटेड थी। अरे वाह, ये एक अच्छा आइडिया है। वैसे मैं तुम्हें अब बताना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में प्रॉबेबली एक या दो महीने रहूंगी। दरअसल मैं एक बिजनेस शुरू करने वाली हूँ और इसी की वजह से आई थिंक मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, तो मेरे लिए कॉलेज के बाहर रहना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, दीपिका ने कहा, क्योंकि वो अपना एम्बिशन छुपाना नहीं चाहती थी। क्या, तुम एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली हो? नंदिका हैरान थी। उसने एडमिरेशन के साथ दीपिका को देखा। बॉस, तुम तो सच में मेरी आइडियल हो। मेरा एम्बिशन बिजनेस चलाना नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी चलाना चाहती हूँ। पर अगर तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल होती हो ना, तो प्लीज मुझे मत भूलना। नंदिका ने दीपिका का हाथ पकड़ लिया जैसे कि दीपिका उसे छोड़कर जा रही हो। खैर, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ खेल रही थी। नंदिका की फैमिली काफी पावरफुल थी, उसे दीपिका के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। श्योर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, अगर मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाऊँ तो भी। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से परिवार में कर दूंगी। ये ठीक रहेगा? दीपिका ने उसे टीज करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं शादीवादी नहीं करना चाहती, मैं सिंगल और फ्री रहना चाहती हूँ, नंदिका ने चिढ़ते हुए कहा। इस पर दीपिका मुस्कुरा दी। और वैसे भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और ये सब सोचने के लिए नंदिका काफ़ी छोटी थी अभी। जब वो एक पर्टिकुलर उम्र में आ जाएगी और अपने मिस्टर राइट से मिलेगी, वो प्रॉबेबली अपना माइंड चेंज कर लेगी। उधर बैंगलोर में रितेश कल्याण सुबह से एडवर्टाइजमेंट के लिए रेडी थे। अपने स्टोर के बाहर की वॉल के साथ साथ शहर के बीचों बीच शॉपिंग मॉल के सामने के LED डिस्प्ले और मॉल की दूसरी तरफ वाली दीवार पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग स्पेस चुना था। वो काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत ही परसुएसिव था। LED डिस्प्ले पर हर 10 मिनट में ये चल रहा था। जेड, द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, enjoys the reputation of the crown of valuable stones. इसमें लक, nobility और fortune के अच्छे मीनिंग्स छुपे हैं। जेड ब्यूटी ज्वेलरी हाई एंड जेड ज्वेलरी क्रिएट करेगा। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी सैटरडे 12 दिसंबर को होगी। हर क्लाइंट को 10% डिस्काउंट। आप किंग स्क्रीन द किंग ऑफ जेड के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लिखे गए कैरेक्टर्स काफी लिमिटेड थे, क्योंकि इनका चार्ज पर सेकेंड के हिसाब से था। दीपिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोग एडवर्टाइजमेंट की बिगनिंग इग्नोर कर सकते थे, लेकिन किंग स्क्रीन ने सभी का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया था। वहां वैसे ज्यादा लोग नहीं थे जो जेड के बारे में जानते थे, पर उनमें से ज्यादातर लोगों ने किंग स्क्रीन के बारे में सुना था। शॉपिंग मॉल की दीवार पर जो एडवर्टाइजमेंट था वो 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा पोस्टर था। ऊपर के 3 इंग्लिश वर्ड्स थे द किंग स्क्रीन, और उसकी बड़ी सी पिक्चर थी। वो बहुत आई कैचिंग और अट्रैक्टिव था। किंग स्क्रीन उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट था, लेकिन इसके अलावा भी उनके पास मीडियम हाई लेवल और हाई लेवल जेड की खूबसूरत ज्वेलरी थी। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूँ स्वरा। हर ग्राहक ओपनिंग सेरेमनी के दिन 10% का डिस्काउंट ले सकता है। 10% का डिस्काउंट कोई छोटा डिस्काउंट नहीं होता, और वो भी ज्वेलरी में। अगर आप 10 लाख रुपए पे करोगे तो आपको 1 लाख का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि जेड की बात आने पर बहुत होता है। जेड ब्यूटी ज्वेलरी का असर ऑर्डिनरी पीपल पर ज्यादा नहीं था, और दूसरे जो जेड को पसंद नहीं करते थे, पर उसने जेड और ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी सेंसेशन पैदा कर दिया था। मेन रीजन था किंग स्क्रीन। जेड ब्यूटी ज्वेलरी द्वारा जिस लेवल का जेड यूज किया जा रहा था वो भी एस्टॉनिशिंग था। वो एक हाई एंड ब्रांड था जो कि मेनली कम से कम मीडियम हाई लेवल जेड से बनी हुई ज्वेलरी प्रोड्यूस करते थे। कई जेड एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन का किंग स्क्रीन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहते थे जो उसे देखें। उनमें से कई ने तो अपने कलेक्शन के लिए इसे खरीदने का प्लान भी कर लिया था। जेड ब्यूटी ज्वेलरी ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया था, जो कि उनके एडवर्टाइजमेंट पोस्ट पर लिखा था, इसलिए थोड़े से ही समय में कई लोगों ने उनके ब्रांड को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कर लिया था। कल दोपहर में दीपिका ने दीपांशु वर्मा, दिलीप अरोड़ा और राज सिंघानिया को अलग अलग कॉल किया था, उन्हें ये बताने के लिए कि उसने किंग स्क्रीन को भी काट लिया था और ओपनिंग सेरेमनी में उसे दिखाने वाली थी। सभी ज्वेलरी उस दिन रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल थी। वो पहले उन्हें दिखाने ले जाएगी जब वो बैंगलोर आएगी। हर कोई ये खबर सुनकर रोमांचित था। उन सभी ने दीपिका से कहा कि वो जल्द से जल्द बैंगलोर आ जाए। दीपांशु और राज दोनों किंग स्क्रीन खरीदना चाहते थे, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। अगर वो उसे चाहते थे तो वो ओपनिंग सेरेमनी में उसके लिए रिजर्वेशन कर सकते थे। आखिर दीपिका भी अब एक बिजनेस वुमन थी और प्रॉफिट उसकी पहली प्रायोरिटी था। वो दोनों भी बिजनेसमैन थे, वो दीपिका का डिसीजन समझते थे और उन्होंने इसलिए उसे इंसिस्ट नहीं किया। उसी समय राज और दीपांशु ने किंग स्क्रीन से बनी एक बड़ी सी जेड रिंग रिजर्व करने का प्लान बना लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें किंग स्क्रीन पसंद था और वो दीपिका के बिजनेस में उसकी मदद भी करना चाहते थे। दिलीप अरोड़ा जेड से ज्यादा एंटीक्स में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो इस कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व नहीं थे। वो सिर्फ एक लुक लेना चाहते थे। हालांकि दीपांशु और राज दोनों दीपिका के आने का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करना उनके लिए एक टॉर्चर जैसा था। वैसे दीपिका ने उन्हें पहले ही बता दिया था, पर फिर भी दीपांशु और राज एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें किंग स्क्रीन देखने को मिलेगा
भले ही वो उसकी एक तस्वीर ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी भी रियल लाइफ में उन्हें उसे देखने के लिए एक लंबा इंतजार करना था। समीर ने भी रणबीर को कॉल किया। ये न्यूज़ सुनने के बाद रणबीर भी शॉक था। वो भी जेड ब्यूटी ज्वेलरी के ओपनिंग सेरेमनी को देखना चाहता था। उधर दोपहर में दीपिका ने अपना स्कूल छोड़ा। वो हमेशा एबसेंट होती थी, इसलिए उसके फ्रेंड्स शिकायत करते थे कि वो एक क्वालिफाइड बॉस नहीं थी। पर उस वक्त दीपिका को सचमुच कुछ सीरियस से डिस्कस करना था। आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी रहती थी और उसके पास उन्हें ट्रेन करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। सेंट जेवियर हाई स्कूल एल्बर्ट मिडिल स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। दीपिका को वहां दौड़कर जाने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगे। एल्बर्ट मिडिल स्कूल के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए दीपिका दीवार पर चढ़ गई। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सेम कलर में थी लेकिन डिफरेंट डिजाइन में, इसलिए दूसरे स्कूल में कोई उसे नोटिस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो उसे पास से ना देखे। जब दीपिका स्कूल पहुंची तो उसने शिल्पा को कॉल किया। शिल्पा ने उठाया पर कुछ कहा नहीं, हालांकि दीपिका फोन के थ्रू आवाज सुन सकती थी। शिल्पा, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि कार्तिक से दूर रहो, पर तुमने इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? मैंने ये नहीं किया, वो खुद मेरे पास आया था अपोलोजाइज करने के लिए, जो तुमने कल मेरे साथ किया था उसके लिए माफी मांगने, शिल्पा ने कहा। अपोलोजाइज क्यों? ये पागलपन था। दीपिका को तुरंत गुस्सा आ गया। वेरी वेल, उसने सोचा कि उन्हें खोजने में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वो भी यहीं थे। हालांकि दीपिका केवल उनकी आवाजें सुन सकती थी, उसे उनकी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लकीली दीपिका की हियरिंग पावर बहुत अच्छी थी। उसने फोन के थ्रू शिल्पा के आसपास की आवाजें पहचान ली थी। ये पेड़ों की लहराने और उनकी पत्तियों के आपस में टकराने की आवाज थी। ये कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहां बहुत सारे पेड़ थे। दीपिका को तुरंत गार्डन का ख्याल आया। वो एल्बर्ट मिडिल स्कूल जा चुकी थी जब वो बहुत छोटी थी, तो इसलिए वो वहां से फेमिलियर थी। वहीं पर पेड़ों का एक लॉन था, इसलिए दीपिका तुरंत उस लॉन की तरफ भागी। वो बहुत तेज दौड़ी, इवन किसी प्रोफेशनल एथलीट से भी ज्यादा तेज। रास्ते में हर कोई शॉक था। हालांकि जब तक वो अपना दिमाग वापस नॉर्मल कर पाते और अपने फोन निकालकर उसे रिकॉर्ड कर पाते, दीपिका ऑलरेडी जा चुकी थी। फोन की दूसरी तरफ अभी भी आवाज आ रही थी, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं सुनी, मुझे एक बार फिर से तुम्हें लेसन देना पड़ेगा। ये सुनकर दीपिका नर्वस थी और उसे डर था कि कहीं वो लोग शिल्पा को चोट ना पहुंचा दें। सचमुच उसने जल्द ही एक जोरदार चांटे की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने शिल्पा की दर्द में चीखती हुई आवाज सुनी। अब दीपिका का गुस्सा जल रहा था। डैम इट, उसने उन्हें स्लाइटली पनिश करने का प्लान किया था, पर अब ऐसा लगता था कि उन्होंने शिल्पा के साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए उन्हें रिग्रेट करवाने की जरूरत थी। दीपिका फाइनली उस जगह पर पहुंची। शिल्पा को ऑलरेडी दो थप्पड़ पड़ चुके थे। दीपिका एकदम से सामने कूदी। उसने शिल्पा के आसपास खड़ी तीनों लड़कियों को कई मीटर दूर बहुत ताकत के साथ एक लात मारकर गिरा दिया। दीपिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके साथ उसे काइंड होना चाहिए। उन तीनों लड़कियों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। एक पेड़ से जाकर टकरा गई, दूसरी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई, और तीसरी का घुटना एक पत्थर से टकराया और उसी वक्त टूट गया। वो चल भी नहीं सकती थी और बहुत ज्यादा दर्द में रो रही थी। एक का चेहरा जमीन पर रगड़ गया, उसका जबड़ा सूज गया, उसके आगे का दांत भी टूट गया था और लगातार उसके मुंह से खून आ जा रहा था। वो रो भी नहीं पा रही थी। अपनी आंखों के सामने ये नजारे को देखकर शिल्पा तो शॉक्ड हो गई। पेड़ों के आसपास दो तीन के झुंड में स्टूडेंट्स थे और वो सब दीपिका की ताकत देखकर शॉक हो गए। हालांकि वो सब सॉरी फील कर रहे थे जो शिल्पा ने सफर किया था उसके लिए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे अब ये देखकर कि उन लोगों को चोट लगी है, कोई तुरंत जाकर टीचर को बुला लाया। दीपिका ने इसे नोटिस किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो अभी भाग भी नहीं सकती थी और वो शिल्पा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने जो मेस क्रिएट किया था वो उससे खुद ही डील कर लेगी। दीदी, दीदी, शिल्पा की आवाज कांप रही थी। वो हालांकि शिल्पा भी दीपिका की पावर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, लेकिन अब वो रिजल्ट से डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूं स्वरा। शिल्पा को उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन उसे ये डर था कि अगर वो लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो गईं तो दीपिका और वो किसी भारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। रिलैक्स, वो ठीक हो जाएंगे और हम भी हो जाएंगे, मुझ पर भरोसा रखो। दीपिका ने शिल्पा को देखा और उसे जेंटली कम्फर्ट किया। शिल्पा दीपिका पर भरोसा करती थी, क्योंकि दीपिका ने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, तो उसे भरोसा था कि वो ठीक हो जाएंगे। दीपिका ने सिर्फ उन्हें एक बार किक किया था और वो अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वो ऑलरेडी बुरी तरह से इंजर्ड थी, इसलिए उसने उन्हें मारना चालू नहीं रखा। कुछ देर बाद वहां एक मेल और एक फीमेल टीचर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने ये खुद विटनेस नहीं किया था, एक स्टूडेंट ने उन्हें ये बताया था कि एक लड़की ने तीन लड़कियों को किक करके कई मीटर दूर फेंक दिया था। उनमें से एक लड़की बेहोश हो गई, दूसरी की टांग टूट गई और तीसरी का आगे का दांत मिसिंग था, जो कि बहुत शॉकिंग था। वो दोनों टीचर्स ये बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि कैसे एक अकेली लड़की एक समय पर तीन तीन लोगों को किक करके दूर फेंक सकती थी। पर जब उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा, उन्हें सच को एक्सेप्ट करना पड़ा। उनमें से जो फीमेल टीचर थी वो पैनिक होते हुए उस स्टूडेंट के पास गई जो बेहोश थी। खुशबू, खुशबू! स्टूडेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टीचर ने तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल किया, जबकि मेल टीचर ने पूछा, ये किसने किया? वो मैं थी, दीपिका ने बिना डरे एडमिट किया।
वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। उस टीचर की नज़र दीपिका पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि दीपिका यहाँ पर एक स्टूडेंट नहीं थी बल्कि सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से थी। वो इरिटेट होकर उससे सवाल पूछता है, तुम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम यहाँ क्यों आई हो और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को क्यों मारा तुमने? दीपिका ने उसके गुस्से भरे लुक को बिना डर के फेस किया, क्योंकि इन्होंने पहले किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मारे थे। इस पर मेल टीचर को गुस्सा आया। उसने कहा, किसे थप्पड़ मारे थे इन्होंने? मेरी कजन, दीपिका ने शिल्पा की तरफ पॉइंट आउट करते हुए जवाब दिया। मेल टीचर ने शिल्पा को देखा और वो डर गई। उसका आधा सूजा हुआ चेहरा अभी भी साफ खुला हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि शिल्पा के चेहरे पर दो थप्पड़ के निशान थे, जबकि वो तीनों लड़कियां जमीन पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसलिए मेल टीचर खुशबू शर्मा और बाकी दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। मुझे लगता है वो ठीक है, पर तुम उन्हें बहुत बुरी तरह पीट चुकी हो। यू आर टू मच। क्या? दो बार थप्पड़ मारे जाने के बाद भी वो ठीक लग रही है? दीपिका डरावनी सी लग रही थी। उस मेल टीचर के मुंह से जब दीपिका ने ये शब्द सुने तो उसने अपना गुस्से भरा लुक उस टीचर को दिया। उस वक्त उसका लुक ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई तेज धारदार चाकू हो। फिर दीपिका ने आर्ग्यू करते हुए उन तीनों लड़कियों की तरफ गुस्से में इशारा करते हुए कहा, ये लड़कियां, स्पेशली वो जिसका नाम खुशबू शर्मा है, उसने मेरी कजन को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि एक लड़का जिसे वो पसंद करती है, उसने मेरी कजन को एक लेटर लिखा था। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे ये करने का हक किसने दिया? पॉइंट ये है कि मेरी कजन ने लेटर लिया ही नहीं था, और आज सुबह वो लड़का मेरी कजन से माफी मांगने आया था कि उसको उन लड़कियों ने थप्पड़ मारा उसकी वजह से। किसने इन लड़कियों को हक दिया कि वो मेरी कजन को बिना मतलब थप्पड़ मारे? और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या अपनी कजन के लिए फाइट बैक नहीं कर सकती? क्या आपको ऐसा लगता है मैं यहाँ अपनी कजन को थप्पड़ खाता हुआ देख चुपचाप खड़ी रहूं? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप चुप रहते? दीपिका अपने वर्ड्स के साथ बहुत एग्रेसिव थी, और उस मेल टीचर को लगा कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। उसे उस वक्त ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो स्कूल के प्रिंसिपल से भी ज्यादा डरावनी थी। लकीली वो मेल टीचर एक समझदार इंसान था। दीपिका के आर्ग्यूमेंट के बाद वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था। देखिए, आखिरकार जो भी हो, ये सच है कि तुमने इन्हें मारा है। मैं ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ, और तुम इन सबसे बच नहीं सकती हो। फीमेल टीचर दीपिका को जाने नहीं देती, भले ही उसने भी उसके प्रेशर को फील किया था। खुशबू शर्मा और उन दो लड़कियों को शिल्पा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन दीपिका को भी। उसने उन लड़कियों के साथ जो भी किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक्चुअली दीपिका को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन फी पे करने की जरूरत थी, अगर वो उसे अलाउ करते ऐसा करने को। लेकिन फीमेल टीचर दीपिका को पैसे से ज्यादा पे करने देना चाहती थी। उसके बदले शिल्पा डरी हुई थी कि टीचर पुलिस को कॉल कर चुकी थी। दीपिका ने अपनी पावर देते हुए उसे कंफर्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ मैंने जो किया, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मेरी कजन के साथ किया वो इंटेंशनल इंजरी थी, जो कि बहुत सीरियस है, दीपिका ने मीनिंगफुल तरीके से कहा। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी ये शब्द कहते हुए। सो तुम क्या कर सकती हो? फीमेल टीचर को शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि दीपिका में उसके अगेंस्ट खड़े रहने की हिम्मत है, क्योंकि वो शिल्पा सिंह का बैकग्राउंड जानती थी। वो ऐसा नहीं सोचती थी कि दीपिका इसका रिजल्ट बेयर कर सकती थी। फीमेल टीचर के एटीट्यूड से दीपिका ने सेंस कर लिया था कि उन तीनों में से कम एक लड़की तो जरूर होगी जो पावरफुल या रिच फैमिली से होगी। पर क्या दीपिका भी कमजोर नहीं थी? अगर वो एक एडवांटेज लेने के लिए अपना नेटवर्क यूज करना चाहते हैं तो दीपिका भी ऐसा ही करेगी। इंटरेस्टिंग, चलो फिर देखते हैं। दीपिका को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसकी बजाय वो प्रोवोकेटिव लग रही थी। फीमेल टीचर की नजरों में दीपिका का कॉन्फिडेंस नौसिखियापन था। हालांकि मेल टीचर शिल्पा का बैकग्राउंड नहीं जानता था, दीपिका को इतना काम और कॉन्फिडेंट देखकर उसने ये अज्यूम कर लिया था कि वो जरूर पावरफुल होगी। आखिरकार जो भी हो, वो आगे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इस मैटर में। दो मिनट में ही बहुत सारे टीचर्स को मिलाकर वहां आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए। हर कोई ये सच जानकर हैरान था कि दीपिका ने खुशबू शर्मा और बाकी दो लड़कियों को किक करके कई मीटर्स तक उछाल फेंका था, पर उनमें से कुछ ने दीपिका को क्रिटिसाइज किया। जैसे कि दीपिका ने एक्सप्लेन किया था, फिर भी उसने जो भी कुछ किया उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। खुशबू का बिहेवियर एक इंटेंशनल इंजरी था। कुछ मिनटों बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी वहां आ गए। उनका नाम था किशोर पाटीदार। एकदम अकड़ू और सेल्फिश किस्म का इंसान था वो। खुशबू शर्मा के फादर एजुकेशन ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल सेक्शन के लीडर थे, अनिरुद्ध शर्मा। ये उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी अगर वो खुशबू शर्मा के फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, पर अगर नहीं तो जल्द ही उसका करियर खत्म हो जाएगा। किशोर पाटीदार के पास वैसे भी पावरफुल सपोर्ट नहीं था, इसलिए उसे रिच और पावरफुल अथॉरिटीज वाले लोगों को खुश रखना होगा। इसी वजह से वो ऑब्वियसली पूरी तरह से खुशबू शर्मा के लिए ही खड़ा था। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूँ स्वरा। जैसे ही उसे पता चला कि दीपिका वो है जिसने खुशबू और बाकी दो लड़कियों को पीटा है, उसने तुरंत बिना कारण पूछे उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बाद दीपिका ने उसे रोका। इनाफ। दीपिका इतने गुस्से में थी कि किशोर पाटीदार चुप हो गया। उसने दीपिका को गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे करना क्या है।
बाकी सभी लोग सरप्राइज थे कि दीपिका प्रिंसिपल पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। यहाँ तक कि फीमेल टीचर भी थोड़ी सी रिग्रेटफुल थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात पर बिलीव करने से मना कर दिया था कि दीपिका को किसी का सपोर्ट होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का दिन बहुत लंबा दिन है। आई एम सरप्राइज्ड, प्रिंसिपल होकर भी आपने बिना पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया है मुझे ब्लेम किया और आप मुझ पर चिल्लाए। आप अपने टीचर्स के लिए एक शेम है, शेम। डिड यू गेट दैट? दीपिका बहुत सीरियस थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो एरोगेंट थी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड ही नहीं था। काफी लंबे समय बाद किशोर पाटीदार को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो एक टीनेजर द्वारा सिखाया जा रहा है और उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा था। वो अपनी शर्मिंदगी से खफा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? क्या वो तुम नहीं थे जिसने उन लड़कियों को चोट पहुंचाई? हाँ पहुंचाई तो क्या, उन्होंने जानबूझकर मेरी कजन को दो बार थप्पड़ मारे। वो ये डिजर्व करती हैं, दीपिका ने गुस्से में कहा। इस पर किशोर पाटीदार को बहुत गुस्सा आया। पर तुम्हारी कजन तो ठीक लग रही है, तुम्हें ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी? दूसरों को वैसा ट्रीट ना करें जैसा कि आप खुद को नहीं होना देना चाहते। मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत काइंड बन चुकी हूँ, दीपिका ने गुस्से में कहा। तुम कितनी नादान हो ना, तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है, पता भी है? किशोर पाटीदार ने उसे धमकाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अकेली नहीं होंगी जिसे वो अरेस्ट करेंगे, दीपिका ने खुशबू शर्मा और दोनों लड़कियों को देखते हुए कहा। मत भूलो इस दुनिया में इक्वालिटी के अलावा भी एक चीज़ है जिसका नाम होता है पावर, किशोर पाटीदार ने नफरत के साथ कहा। वो दीपिका के इनोसेंस पर हंस रहा था। ऑफ कोर्स इक्वालिटी के अलावा भी एक चीज है इस दुनिया में जिसे पावर कहते हैं, दीपिका ने घुमाकर इसी बात को कहा। इसीलिए कभी ऐसे इंसान को परेशान मत करो जिसे तुम जानते नहीं हो। दीपिका को इतना कॉन्फिडेंट देखकर किशोर पाटीदार अब थोड़ा सा घबरा गया। उसने सोचा, क्या ये लड़की किसी पावरफुल फैमिली से है क्या? इतना डराने धमकाने के बाद भी इस पर कुछ असर ही नहीं है। ठीक उसी समय उन्होंने दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनी। 10 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था, पर इतना पास भी नहीं था, क्योंकि फीमेल टीचर ने स्पेसिफिकली पुलिस को यह बता दिया था कि वो अनिरुद्ध शर्मा एजुकेशन ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल सेक्शन के लीडर की बेटी थी जो किक करने के बाद बेहोश हो गई थी, तो पुलिस अपना टाइम वेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकी। हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा ही दूर था, पर एम्बुलेंस अभी तक नहीं आ पाई थी। भीड़ के पीछे एक पुलिस कार रुकी और उसके अंदर से 3 पुलिस वाले बाहर आए। फीमेल टीचर तुरंत पुलिसमैन से बात करने के लिए आगे गई। सर नाइस टू मीट यू, यही है जिसने इन तीनों स्टूडेंट्स को घायल किया है, ले आओ इसे, एक पुलिस वाले ने ऑर्डर दिया। दूसरे 2 पुलिस वाले तुरंत आगे आए दीपिका को पकड़ने के लिए। उनमें से एक के हाथ में हथकड़ी थी। उन्होंने रीजन पूछने की जरूरत भी नहीं समझी, ये ऑब्वियस था कि उन्हें पैसों से खरीद लिया गया था। रुको, दीपिका ने उन्हें रोका। दोनों पुलिस वाले उसे गुस्से से देखते हुए रुक गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम हमें रोकोगी? नहीं, पर क्या आपको मुझे अरेस्ट करने से पहले ये फिगर आउट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर मैटर क्या हुआ था, दीपिका ने सीरियसली पूछा। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले अपना आपा खो बैठे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जरूरी था, हालांकि पब्लिक के सामने वो इसे जोर से नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पूछा। ठीक है तो मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुमने इन्हें मारा था? हाँ, दीपिका ने जवाब दिया। फिर मुझे नहीं लगता कि अगर हम तुम्हें अरेस्ट करें तो ये गलत है, पुलिस वाले ने कहा। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने मेरी कजन को चांटा मारा, तुम्हें उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए अगर तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो, दीपिका ने गुस्से में खुशबू और दूसरी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन चलकर अरेस्ट रिकॉर्ड लिखवाना पड़ेगा, ये घायल हैं और इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, हम हॉस्पिटल में इनसे बात करने के लिए दूसरे पुलिस वाले को भेजेंगे, पुलिस वाले ने कहा। पुलिस वाले ने ये सब इतना अच्छे से कहा लेकिन सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, वो सबके पीठ पीछे सेम चीज़ नहीं करेगा। दीपिका वो बात समझ गई थी, उसने सिर्फ इसीलिए आर्ग्यू किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे क्रिमिनल समझा जाए। श्योर, लेकिन ये सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, आपके पास मुझे हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है, दीपिका समझ गई थी कि ये उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का एक जाल है, लेकिन वो इससे डरती नहीं थी। ठीक है चलो, पुलिसमैन राजी हो गया। दीपिका सीधे ही नहीं चली गई पर उसने किशोर पाटीदार को देखा, उसे डराया। प्रिंसिपल पाटीदार, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी एब्सेंस में अगर मेरी कजन को चोट पहुंची तो फिर तुम अपना रिप्लेसमेंट सोच लेना, उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था। किशोर पाटीदार को बिलीव करना पड़ा था कि दीपिका में उसे रिप्लेस करने की पूरी काबिलियत थी। दीपिका अपने साथ शिल्पा को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिल्पा गिल्टी है या नहीं, उसकी रेपुटेशन इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन दीपिका को खुद की परवाह नहीं थी। प्लीज दीदी प्लीज, शिल्पा ने दीपिका को पकड़ लिया, वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। रिलैक्स, आई एम ओके, और हाँ घर पे ये बात मत बताना, ओके? दीपिका ने भरोसे के साथ शिल्पा को देखा। फिर दीपिका उन 2 पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। जैसे ही वो कार में बैठी इतने में एम्बुलेंस भी आ गई। कार में दीपिका ने एक कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, एक पुलिस वाले ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से वो फोन छीनने की कोशिश की। अब तुम एक सस्पेक्ट हो और तुम्हारा फोन हमें जब्त करना होगा,
दीपिका ने अपना हाथ उठाया उसके हाथ को टाइटली पकड़ने के लिए। एकदम से पुलिस वाला हिल भी नहीं पाया। एक ग्रोनअप आदमी एक टीनेज लड़की से डील करने में फेल हो गया था। पुलिसमैन अपनी शर्मिंदगी से बहुत इरिटेट हो गया। उसने डराया, मुझे लेने दो नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस वाले पर अटैक करने के लिए अरेस्ट कर दूंगा। पुलिस पर अटैक? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनसे डर लगेगा? दूर रहो मुझसे, तुम इसका रिजल्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ, दीपिका ने उसे वार्निंग दी। इस पर वो पुलिस वाला और गुस्से में आ गया, पर वो जानता था कि वो लड़की को हरा नहीं सकता। हालांकि वो उसके कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा सरप्राइज भी था। फीमेल टीचर ने उन्हें ऑलरेडी कह दिया था कि ये लड़की एक ऑर्डनरी परिवार से है, और शायद यही कारण था कि वो इतनी रूड थी। इसलिए उसने एक सरकास्टिक वे में कहा, तुम्हारी वैसे हिम्मत कैसे हुई अनिरुद्ध शर्मा की बेटी को पीटने की? तुम जानती हो उसके फादर कौन है? एजुकेशन ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल सेक्शन के लीडर हैं वो। तुम तो समझो अब मतलब खत्म। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूं स्वरा। तो क्या उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया? दीपिका ने आराम से कहा। तुम कितनी बेवकूफ हो ना? क्या सोचती हो तुम कि एक बार जब तुम पुलिस स्टेशन में कदम रखोगी तो क्या तुम सेफ रहोगी? दूसरे पुलिस वाले ने एरोगेंट तरीके से पूछा। ये तुम पर डिपेंड नहीं करता। मुंबई में एजुकेशन ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल सेक्शन का एक लीडर कुछ भी नहीं है, ओके? दीपिका ने कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अनिरुद्ध शर्मा से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जो भी हो, तुम्हारे जैसी गरीब लड़की से डील करने के लिए काफी है, पुलिस वाले ने भी नफरत दिखाते हुए कहा। भले ही दीपिका इतनी कॉन्फिडेंट थी, भले ही दीपिका दिखने में इतनी कॉन्फिडेंट थी, पर अभी भी उस पुलिस वाले को लग रहा था कि जैसे वो एक मामूली गरीब लड़की थी। दूसरे दो पुलिस वालों की सोच अलग थी। उनके अकॉर्डिंग एक साधारण से गरीब परिवार की लड़की अनिरुद्ध शर्मा के इन्फ्लुएंस को इग्नोर करने और पुलिस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उन्हें लगा कि ये लड़की इतनी तो ऑर्डिनरी नहीं लग रही जितना कि उस फीमेल टीचर ने उन्हें फोन पर कहा था। एक्सक्यूज मी, तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि मैं एक गरीब ऑर्डिनरी लड़की हूँ? क्या तुमने खुद को इन्वेस्टिगेशन किया? दीपिका ने टीज करते हुए कहा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये लोग इतने सर्टन हैं कि वो कमजोर है और वो उस पर हावी हो सकते हैं। हाँ, ये बात थी कि पास में जरूर वो एक ऑर्डिनरी लड़की थी, पर अब उसके हालात बदल चुके थे। अब वो रिच भी थी, उसके पास पैसा था, पावर भी थी। कपूर रियल एस्टेट की चेयरमैन होने के नाते वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इन्फ्लुएंशियल भी थी। ऑफकोर्स उसका अपनी कपूर रियल एस्टेट के चेयरमैन की आइडेंटिटी को यूज करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। ये सुनकर पुलिस वाले घबरा गए कि वो एक गरीब ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम एक गरीब ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो? एक पुलिस वाले ने अनकॉन्शियसली पूछा। कोई नहीं, हम बाद में पता लगा लेंगे, दीपिका ने कहा। अचानक उसी वक्त तीनों पुलिस वाले कुछ अनईजी सा फील करने लगे, लेकिन उन्हें वो तो करना ही था जो कि उन्हें करना चाहिए था। दीपिका ने जल्दी से अपना फोन उठाया और उसी वक्त किसी को कॉल किया, और इस बार किसी भी पुलिस वाले ने उसे एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उधर ये देखकर कि कॉलर दीपिका थी, कुणाल कपूर ने तुरंत हैरानी में फोन उठा लिया। जब उसने सुना कि दीपिका किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही थी, वो सुन वो अपसेट और परेशान हो गया। दीपिका ने उससे पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा पूरी बात सुनो, मैंने अल्बर्ट मिडिल स्कूल में किसी को पीट दिया है और इसी वजह से मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे बाहर निकाल सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो मैं। इससे पहले कि दीपिका अपनी बात खत्म कर पाती, कुणाल ने उसे इंटरप्ट किया। डोंट वरी, मैं कर सकता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ग्रेट, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, दीपिका ने फोन रखने से पहले कहा। यह शब्द कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुणाल को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर ही घुस गए। वो तुरंत अपने घर से बाहर निकला और ये भी भूल गया था कि उसने स्लीपर्स पहने हुए थे। जैसे ही वो बाहर गया, उसने किसी को कॉल किया। जब तक वो कार में बैठ नहीं गया, उसने रियलाइज ही नहीं किया था कि उसने स्लीपर्स पहने हैं। लेकिन अब उसके पास चेंज करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो डायरेक्टली ड्राइव करता हुआ उस पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया जिसके बारे में दीपिका ने उसे बताया था। उधर पुलिस की गाड़ी में वो पुलिस वाले दीपिका को मिक्स्ड इमोशंस के साथ देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो स्कूल टीचर ने तो कहा था कि ये गरीब सी साधारण सी लड़की है, पर इस लड़की के बातचीत करने के तरीके से, उसके हाव भाव से लग ही नहीं रहा था कि वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करती है। उन्हें लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है ये लड़की सच में इन्फ्लुएंशियल है। खैर कुछ मिनट बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दीपिका को एक ट्रायल रूम की तरफ गाइड किया गया, लेकिन कोई भी उससे क्वेश्चन करने के लिए अंदर नहीं आया। बाहर तीन पुलिस वाले आपस में धीमी आवाज़ में डिस्कस कर रहे थे। अब बताओ क्या करना चाहिए? भाई मुझे तो लगता है हमें वेट करना चाहिए। क्या होगा अगर उसने ऐसे किसी को कॉल कर लिया जो कि अनिरुद्ध शर्मा से भी ज़्यादा पावरफुल है? ओह यस, आई एग्री। हालांकि अनिरुद्ध शर्मा थोड़ा पावर वाला आदमी था, पर वो सच में मुंबई में कोई ऑफिशियल नहीं था। उसी टाइम एक मिडिल एजेड पुलिस ऑफिसर वहां पर चलकर आए। ये नोटिस करके कि तीन यंग पुलिसमैन बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उनका फेस चेंज हो गया, उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। तुम लोग यहां बाहर क्या कर रहे हो? जाओ और अभी क्रिमिनल से क्वेश्चन करो, उसे जाने मत देना।
हिंदुजा सर, एक बात कहनी थी आपसे। सर, हमें लगता है ये लड़की इन्फ्लुएंशियल है। उसने अभी किसी को कॉल किया है उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। हमें लगता है सर, जब तक वो इंसान आ नहीं जाता हमें वेट करनी चाहिए और उस पर्सन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना चाहिए, एक पुलिस वाले ने अपनी राय देते हुए कहा। इस पर वो मिडिल एजेड पुलिस ऑफिसर एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुआ, फिर उसने पूछा, क्या उस फीमेल टीचर ने हमें फोन पे ये नहीं बताया था कि ये लड़की सिर्फ एक गरीब ऑर्डिनरी परिवार से है? सर, जो भी हो, उसने अनिरुद्ध साहब को नाराज किया है और वो इतनी कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव है। मुझे नहीं लगता कि एक गरीब और ऑर्डिनरी परिवार की लड़की ऐसा कर सकती है। सर, हो ना हो, इसकी पहुंच दूर तक है, दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम सही हो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इंदुजा सर ने ऑर्डर किया। दरअसल वो अनिरुद्ध शर्मा को खुश रखना चाहते थे, लेकिन वो ऐसे ही किसी को गुस्सा नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी। ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन का फोन बजा। कुछ सेकंड्स बाद एक महिला पुलिस उनके पास आई और हिंदुजा सर को कॉल आंसर करने को कहा। ये पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर यशवर्धन सिन्हा का कॉल था। ये सुनकर हर कोई उस वक्त शॉक्ड रह गया, वो पुलिस वाले भी और साथ ही साथ वो मिडिल एजेड पुलिस ऑफिसर हिंदुजा सर। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर, उनका फोन! क्या ये उसी लड़की की वजह से था जिसे उन्होंने जस्ट अरेस्ट किया था? ये सोचते ही उन सबको लग गया कि अब तो वो किसी भारी मुसीबत में आ गए हैं। हिंदुजा सर तुरंत कॉल आंसर करने के लिए दौड़े। हाय मिस्टर सिन्हा, मैं संजय हिंदुजा, अंधेरी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। सर बताइए, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? जिस वक्त संजय हिंदुजा ने अपनी बात खत्म की, थोड़ी एंजाइटी के साथ एक मेल वॉइस सुनाई दी। क्या तुमने अभी सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की किसी फीमेल स्टूडेंट दीपिका सिंह को अरेस्ट किया है? ये सुनकर संजय हिंदुजा तुरंत समझ गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है। भले ही वो नहीं जानता था कि दीपिका कौन सी लड़की है, लेकिन वो निश्चित था कि ये वही होनी चाहिए क्योंकि वही इकलौती थी जिसे अभी उन्होंने सेंट अल्बर्ट स्कूल से गिरफ्तार किया था। संजय हिंदुजा ये सचमुच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि फीमेल स्टूडेंट इतनी इन्फ्लुएंशियल होगी कि उसके लिए खुद डायरेक्टर ने कॉल किया था। फोन पर बात करते करते संजय हिंदुजा अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे, उसकी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी। हाँ, डायरेक्टर साहब, जी, जैसा आप कहें। नो मैटर तुमने उसे क्यों अरेस्ट किया था, उसे अभी के अभी जाने दो एंड बी पोलाइट। कोई बदतमीजी नहीं, ओके? समझे? यशवर्धन सिन्हा ने डायरेक्टली ऑर्डर किया। श्योर सर, संजय हिंदुजा ने जवाब दिया और मन ही मन वो ये सोच रहा था कि चलो ये अच्छा हो गया उसने दीपिका को परेशान नहीं किया अनिरुद्ध शर्मा की बात को लेकर, क्योंकि अगर वो दीपिका से कोई भी सख्ती अपनाकर पूछताछ करता तो डायरेक्टर सिन्हा उसका क्या करते, ये तो संजय हिंदुजा ही सोच सकता था। उसके फोन रखने के बाद संजय हिंदुजा जल्दी से ट्रायल रूम में आ गया और बाकी तीन पुलिस वाले उसे देखकर चिंता और हैरानी से पूछते, हिंदुजा सर सब ठीक है? अरे कुछ नहीं है, डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है कि हमें अभी के अभी इसे जाने देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसे अरेस्ट क्यों किया है। एंड हाँ, बी पोलाइट। संजय हिंदुजा ने एज इट इज डायरेक्टर सिन्हा की बात बाकी पुलिस वालों के सामने रख दी। ये सुनकर वो कुछ ना कर सके, सिर्फ उन सब ने एक लंबी सांस ली। हालांकि उस वक्त वो तीनों पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ उन्होंने गाड़ी में दीपिका के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उसे वायलेंटली ट्रीट नहीं किया। वो सिर्फ उन शब्दों से परेशान थे जो कि उन्होंने कार में दीपिका से कहे थे। संजय हिंदुजा वो तो सिर्फ अपनी कही हुई बातों से परेशान थे जो कि उन्होंने कार में दीपिका से कही थी। संजय हिंदुजा अब उनकी केयर करने के मूड में नहीं था। वो खुद दीपिका को लाने के लिए ट्रायल रूम में गया। उधर ट्रायल रूम में दीपिका बैठे बैठे बोर फील कर रही थी। उन लोगों ने बाहर जो भी बातें की थी दीपिका ने वो सारी बातें सुनी थी और उसने मन ही मन सोचा कि मानना पड़ेगा कि कुणाल कपूर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, भले ही पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर को उसे